राम मंदिर निर्माण को लेकर धन संग्रह का अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में लोगों को जागरूक करने के लिए एक विशाल वाहन रैली का आयोजन किया गया। देखिए रिपोर्ट। सुकार सुबरे भाई की ना राम मिलाए राजपद। दरअसल विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल द्वारा विशाल वाहन रैली निकाली गई। रैली रामलीला मेला परिसर से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए बंटी नगर स्थित हनुमान मंदिर पर समाप्त हुई। रैली में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं सहित बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए। मीडिया से चर्चा में विदिशा बजरंग दल के जिला अध्यक्ष चंद्रभान सिंह ने राम मंदिर निर्माण को लेकर चल रहे धन संग्रह अभियान और रैली की जानकारी साझा की। पूरे देश में भगवान श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए धन संग्रह का एक अभियान पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। हमारे यहाँ भी ये अभियान चल रहा है और 15 तारीख से अभियान प्रत्येक घर घर तक जाने के लिए हमारी पूरी योजना बन चुकी है। जन जागृति के लिए आज हमने एक वाहन रैली का आयोजन किया है जो कि बहुत ही अच्छी वाहन रैली हम सब लोगों के सहयोग से आज संपन्न होने जा रही है और जन जागृति के लिए रैली है। इसमें प्रशासन का भी बहुत अच्छा हमें सहयोग मिला है, हम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तहसीलदार सरोज अग्निवंशी ने बताया कि शांतिपूर्वक तरीके से रैली निकाली गई है। आज विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल वालों ने रामलीला मैदान से लेकर के बंटी नगर तक के राम कोष के लिए रैली निकाली थी। उसका समापन यहाँ किया जा रहा है बंटी नगर में और शांतिपूर्वक ढंग से इन लोगों ने निकाला। सब लोग आगे सुरक्षित अभी बंटी नगर में खड़े हैं। बहरहाल देखें तो विदिशा में रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। वहीं रैली के समापन पर कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, विदिशा।